कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का एक बयान सामने आया है और ये बयान शो करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने लोकप्रिय हो रहे हैं अपने मॉडल के चलते। बुलडोजर बाबा के रूप में वो ऐसे ही मशहूर नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ तो कारण हैं जो अब उनका मॉडल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा है, शिवराज सिंह चौहान ने न केवल बुलडोजर का इस्तेमाल किया बल्कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार उन्होंने वही मॉडल अपनाया है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या उनकी जो पुलिस है वो अपनाती रही है। और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज अगर ये कह रहे हैं कि यदि कर्नाटक में यही स्थितियां रहीं तो हमें भी योगी का जो मॉडल है वो लागू करना पड़ेगा, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये समझने की ज़रूरत है। उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा समिति के सदस्य हैं प्रवीण नेतार, उनकी बेल्लारे में निर्मम हत्या कर दी गई और जो हत्या अभियुक्त हैं उनके बारे में जानकारी मिली है कि वो केरल से एक्चुअल में इस तरफ आए थे और उन्होंने यहाँ आकर प्रवीण की निर्मम हत्या की है। प्रवीण की हत्या क्यों की गई है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये बताया जा रहा है कि प्रवीण ने भी कन्हैया लाल का समर्थन किया था, जिनकी उदयपुर में दो कट्टरपंथी मुस्लिमों ने गला काट करके हत्या कर दी थी और इसीलिए केरल से आकर के तीन कट्टरपंथियों ने प्रवीण नेतार की हत्या की है। जो बम्बई शासन प्रशासन है उसका कहना ये है कि कई टीमें बना दी गई हैं, हत्यारों की पहचान कर ली गई है, उनको ढूंढ करके लाया जाएगा, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पर कर्नाटक में ये इस तरह की कोई पहली घटना है, यानी कट्टरपंथियों के दुस्साहस की ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग रूप में हम लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ कुछ घटनाएं होती रही हैं, बेंगलुरु में भी घटनाएं हुई हैं। और मत भूलिए जो आपका बुरका या हिजाब प्रकरण है वो भी कर्नाटक की ही देन था। तो वहाँ पर PFI SFI इस तरह के तमाम संगठन जो है, यहाँ तक के जो सिमी जिस पर पाबंदी लगाई गई थी उसके भी जो स्लीपर हैं, जो खामोश हैं, वो अपनी हरकतें अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में अगर बसवराज बोम्मई ये कह रहे हैं कि हमें भी मजबूर होकर के योगी आदित्यनाथ का मॉडल यहाँ लगाना पड़ेगा और बुलडोजर का इस्तेमाल करेगा, ख़ास तौर से उन्होंने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस तरह के तमाम अराजक तत्वों को ठिकाने लगाया है, काबू में किया है, खामोश रखा है, वो मॉडल अब कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकारें हैं वो भी अपने यहाँ लागू करने के लिए उतावली दिखाई दे रही हैं। आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद एक समय ऐसा आया था जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में, प्रयागराज में, सहारनपुर में, दूसरी जगहों पर शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ लोगों ने दंगे फसाद पत्थरबाजी करने की कोशिश की थी। लेकिन प्रयागराज में क्या हुआ ये आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ पर जो अभियुक्त जिसकी पहचान हुई थी कि उसके उकसावे पर ये सारी हरकतें हुई हैं, उसका घर जमींदोज कर दिया गया और उसके बाद न केवल प्रयागराज में पूरी तरीके से शांति हो गई बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में
वो घटना रिपीट नहीं हुई, यानी पत्थरबाजी की, आगजनी की, हिंसक प्रदर्शन की। तो लोगों की समझ में ये आ रहा है कि जब जब इस तरह के अराजक तत्व सिर उठाते हैं तो कम से कम योगी आदित्यनाथ हैं जो इनको काबू में करना जानते हैं। और अगर योगी का ये मॉडल दूसरे राज्यों ने भी अब अपनाना शुरू कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो उनका कामकाज करने का तरीका है, वो किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है और लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो उनका तरीका है शासन प्रशासन का, अराजक तत्वों को, चरमपंथियों को, कट्टरपंथियों को अंकुश लगाने का, वही सही है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।